नाजीन तारीख़ और आज की दुनिया में खुश आमदीद आज के प्रोग्राम का मौजू है तारीख़ और साइंस हमारे साथ शरीक गुफ्तु हैं डॉक्टर मुबारक अली और डॉक्टर अनीस आलम के जो कि लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर हैं आइए आज की हम उस गुफ्तु का आगाज़ डॉक्टर मुबारक अली से करते हैं जी डॉक्टर साहब साइंस तारीख़ में क्या करदार अदा करती है अच्छा देखें दुनिया की तारीख को जब हम देखते हैं तो उसमें एक चीज़ हम पे वाज होती है कि इंसान अपने माहौल को किस तरह बराबर तब्दील करता रहा है और माहौल की ये तब्दीली जो है उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत हिस्सा है यानी इंसान ने एक ज़माने में पत्थर के औजार बनाए फिर उसके बाद कांसी के औजार बनाए फिर लोहे के औजार बनाए जिन्होंने दुनिया की तहजीब के अंदर एक तब्दीली जो है वो की तो एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि इंसान का जहन जो है वो बराबर तख्लीक करता रहता है अपने माहौल को बदलता रहता है और यही चीज़ जो है उसको आगे की जानब ले जाती है अच्छा डॉक्टर साहब ने पत्थर के ज़माने के लोगों का जिक्र किया उस ज़माने के ख्याल और साइंस के दौर के में जो ख़्याल तब्दील हुए उसमें क्या फ़र्क है अच्छा देखें पत्थर के जब हथियार इस्तेमाल होते थे तो ये भी एक इंसान की एक थी कि इससे पहले तो जो उसका पीरियड इसको हम कहते थे हंटिंग और गैदरिंग का पीरियड है तो पत्थर के औज़ार भी मख्त बनाए जो मख्तलि पीरियड हैं जिसको हम कहते हैं कि लेथी केज है लेथी तो केज है यानी दरमिया पत्थर का उसमें भी बराबर तरक्की करते रहे हैं आगे चल कर फिर हुआ यह है कि इनको काँसी का मदनियात जो है उसके बारे में इन हुआ काँसी के उन्होंने हथियार बनाए और कासिक के जब औज़ार हथियार बनाए गए हैं तो उसके नतीजे के अंदर जो बड़ी तहसीबें पैदा हुई हैं उसके अंदर मेसोपोटामिया की है मिस्र की है वादी सिंध की है और फिर आगे चल के जब लोहा दरियाफ्त होता हुँ. है तो फिर एक मज़ीद तब्दीली आती है क्योंकि होता यह है कि इन हथियारों की वजह से या औजारों की वजह से इसका ताल्लुक़ पैदावार से भी होता है हुँ. जब तक यानी पत्थर के औज़ार थे तो जाहिर है कि काश्तकारी जो है वो मुमकिन नहीं थी उनसे कांसी के जब हल हुआ तो उससे काश्तकारी मुमकिन हुई ज़मीन को खोदा जाने लगा लेकिन जब लोहा दरियाफ्त हुआ है तो हल जो है वो ज़्यादा मवसर साबित हो गया और ज़्यादा पैदावार जो है वो हुई तो ये जो दरियाँ हुई हैं तकलीक हुई हैं ये बराबर दुनिया को बदलती रही हैं जैसा कि डॉक्टर साहब हम सुनते हैं कि पत्थर के ज़माने का इंसान जो है जब वो बादलों की गरज को सुनता था तो उसका ख्याल था कि देवता नाराज़ हो गए और जब साइंस ने ये साबित किया कि ये जो घर जो चमक है ये किसी देवताओं की या माफाकुल फितरत इसकी वजूहत नहीं है बल्कि इसकी एक साइंटिफिक जब एक्सप्लेनेशन आई तो उसका डर खौफ दूर हुआ और उसके ख्याल में तब्दीली पैदा हुई अच्छा ये स्टेज जो है ये काफ़ी बात के अंदर आई है, है।, है। मसलन कायनात के बारे में जो मख्तलफ मजाब हैं उनके अंदर जो इसकी तश्ील का नजरिया है वो ये है कि देवताओं ने इस कायनात को तश्कील किया है, है। उस वक्त देवता जो है देखा जाए तो देवताओं में इंसानों के अंदर बराबर का रिश्ता हुआ करता था <coughs> लेकिन यूनान के साइंसदानों ने जो एन ग्रुप है ये तकरीबन कोई सात सौ कब्ज मसीह का ज़माना है इन्होंने कायनात के बारे में जो मशाहदा किया उस मशाहदे के नतीजे में उन्होंने तीन बातें कहीं कायनत की तश्कील की कि ये पानी से बनी है ये आग से बनी है ये हवा से बनी हैं और इसी तरह डेमोक्रेटस उनका एक फलसफ़ी था एक तरह से साइंसद भी था उसने यानी मादियत का नज़रिया जो है वो पेश किया नतीजा उसका ये हुआ कि पहली मरतबा कायनात की तश्ील में देवताओं का कोई हिस्सा नहीं रहा है बल्कि ये हुआ है कि यह खुद मतलब कि के, के अंदर दुनिया जो है किस तरीके से मादी तौर के ऊपर दुनिया वजूद में आई है तो ये बड़ा एक अहम कदम था कि जो उठाया गया है और मैं समझता हूँ कि उसके फिर बाद में असर ये हुए हैं कि इंसान ने अकल के तौर तौर के ऊपर ये सोचना शुरू किया कि इस दुनिया को भादती तौर के पर समझना चाहिए मजहबी तौर पर नहीं और गलिबा ये वही दौर है कि जिसमें साइंस में एक अमली तजर्बे का आगाज़ हुआ अच्छा अमली तजर्बे का आगाज़ का काफ़ी बाद के अंदर हुआ है हु� चूँकि इब्ताई दौर के अंदर तो मशाहदात के ऊपर इहिसार था अमली तजर्बे का आगाज़ देखा जाए आलम साहब बताएँगे ये फ्रांसिस बेकन ने मतलब के पहले इसका आगाज़ किया और फिर शुरू के अंदर जब हम देखते हैं कि साइंसदान जो हैं एक तरह से जो ऐसा अब आजकल प्रोफेशनल साइंसदान हैंबॉर्टरीज़ है, हैं इससे पहले ये नहीं थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मतलब के प्रोफेशनल साइंसदान भी पैदा हुए लेबॉर्टरीज़ भी पैदा हुई तजर्बात भी उनके अंदर किए जाने लगे तो इसकी इब्तः जो है बहुत बाद में जाकर हुई है अच्छा डॉक्टर अनीस आलम साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब ने मुख्तसर जिक्र किया कि ग्रीक जो साइंटिस्ट थे उनका साइंस की तरक्की में एक किरदार था क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि मगरबी तहजीब के साथ साथ और तहजीबों का साइंस की तरवीज में क्या किरदार रहा देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लफ्ज़ साइंस जो है ये अब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं सिर्फ ख़ास कस्म की नॉलेज के बारे में लेकिन मेरे ख़्याल से साइंस हमेशा से इंसानी एक्टिविटी का एक हिस्सा रही है क्योंकि इंसान ने बुनियादी तौर पे अपने माहौल को समझा है और उस माहौल को अपने ज़रूरियात के मुताबिक ढाला है और तब्दील किया है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो साइंस जो हर इंसानी एक्टिविटी जो आ, अपने माहौल को समझने के लिए अपनी दुनिया को समझने के लिए की गई वो सारी साइंस थी लेकिन जो मौजूदा जिसे हम मॉडर्न साइंस को हम कहते थे हैं उसमें ये हुआ है कि पहले साइंस जो थी या पहले जो नॉलेज थी हमारी कायनात के बारे में और दुनिया के बारे में वो बहुत से आ, अपने मिथ्स की शक्ल में बयान की जाती थी वो बहुत से ऐसे रिचुअल्स थे बहुत से ऐसे तरीक़े थे जिनको एक तरह का कन्फ्यूज़न था कि कौन सी चीज़ देवता कहाँ से शुरू हो ख़त्म होते हैं और साइंस कहाँ से शुरू होती है वगैरह वगैरह तो ये डॉक्टर साहब ने सही कहा कि जिसको फ्रांसिस बेकन कह लें या कि पहली दफ़ा साइंस के तरीक़ार की एक मेथोडोलॉजी ले डाउन की गई अब असन साइंस सोसाइटी तजर्बे बात की है तजर्बा करते हैं आप और फिर ही उसके नतज जो हैं उसकी बुनियाद पर आप कोई नजरिया बनाते हैं मसलन अब बेकन से पहले की बात है कि मुसलमानों का जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो डिस्टिलेशन है। जो के ऊपर है चूँकि मुसलमान जो थे इधरियात बनाया करते थे तो ये एक बहुत बड़ा तजुर्बाती यानी आगे कदम था और ये हिस्ट्री के अंदर इसको मुसलमाना तौर पर माना जाता है कि मुसलमानों का ये कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बड़ा था कि उन्होंने चीज़ों को डिस्टिल करना सीखा और डिस्टिलेशन का तरीका था वो यानी राइज किया फिर यह है कि मुसलमानों साइंसदानों को ख़ास कीमियादानों को और ख़ास तौर पर जो हमारे तबीब थे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे यानी उन्होंने बीमारी की वजह तलाश करने की कोशिश की इंसानी दिमाग के अंदर इंसानी माहौल के अंदर तो ये सारा मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है और इसमें पहले ग्रीस का भी कंट्रीब्यूशन है तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपना साइंस तो हमेशा से रही है जी। आ, जो बात आ, आ, जिस जिस मैथोलॉजी को अब हम आ, लेते हैं वो अब ये हो गई है कि साइंस आमतौर पे वो नॉलेज है जो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं जो कि रिपीट हो सके यानी रिपीटेबल वेरीफाइबल जो नॉलेज है यानी मसा यह है कि अगर मैं कोई तजर्बा करता हूँ या ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो उससे जो नतीजा मैं अखस करता हूँ वो कोई अमरीकी या कोई रूसी या कोई चीनी या कोई हिंदुस्तानी भी उसी को एक्सपेरिमेंट को अगर रिपीट करें तो उसको भी वही नतीजा हासिल करना चाहिए तो ऐसी जो नॉलेज हासिल होती है उसको हम साइंस का साइंस के फैक्ट्स कहते हैं और फिर यह है कि आ, जो इन फैक्ट्स को या साइंसी तौर पे हासिल करदा हकाइ को फिर हम नज़रियात की शक्ल में ढालने की कोशिश करते हैं तो वो नज़रियात भी ऐसे होते हैं कि अगर कोई नया तजर्बा जो है वो उन हक़ाइ को रद्द कर दे या उनकी नफ़ी कर दे जिसके बेसिस वो तो नजरिया बना था तो वो नजरिया रद्द हो जाएगा जी इसलिए साइंस जो है वो कॉन्सटेंटली अपने आप को करेक्ट करती रहती है जैसे ही यानी उसको किसी चीज़ को भी एब्सोल्यूट नहीं मानती और यही साइंस का गैर सैंसी से फ़र्क है क्योंकि आमतौर पर जो गैर गैरसाइंसी हैं आम उन पर आमतौर पर जो उनके उलमा हैं वो कहते हैं कि हमारी नॉलेज जो है वो आखिरी है इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती तो ये साइंस जो है इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो मॉडर्न साइंस जो है उसको हम उससे मुखरफ करते हैं लेकिन ये बात हमें नहीं कहनी चाहिए कि साइंस पहले नहीं थी साइंस हमेशा से रही है जो भी अपना दुनिया को समझने के लिए हमने चीज़ें की हैं वो वो, वो साइंसी था अच्छा डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि इल्हामी इामीम जो हैं और साइंसी सैंसी में एक बुनियादी फ़र्क यह है कि इल्हामी अमूल इामीम के अंदर एक चीज़ पहले से तयशुदा जो चीज़ तय हो गई वो हतमीश रहेगी लेकिन साइंस मुसलसल अपने नजरियात को तब्दील करती दीज़ी। रहती है हम साइंस की तारीख में कोप्रेनिकस कैपलर ग्लीलो का जिक्र सुनते हैं कि जिन्होंने एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आए जिनके साइंसी नज़रियात ने इल्हामी ओलूम और जो मरवजा जो माशरे में इंसान और कायन के बारे में जो रिश्ते थे और के उनको बिल्कुल तहबलट कर दिया ये जो तब्दीली यानी जो माशरे में तो पैदा हुई साइंस के नजरियात की वजह से खसूस इन तीन शख्सियात के हवाले से उसके बारे में आप क्या कहें पंद्रहवीं सदी से पहले मसा आपने कॉपनिका तो कॉपर निकस ने अपनी किताब चौदह सौ चौवन के करीब लिखी तो उससे पहले जो एक निज़ाम में कायनात जो था उसको हम कहते थे उसको वज़ करने में अरस्तु और बदलीमूस ने हिस्सा लिया था और उसको हम कहते हैं कि जो साइंस या तबीयात जो थी वो अरस्तु की थी और उस पर जो कॉस्मोलॉजी क्रिएट की वो बदलीमूस ने की थी अच्छा उसके मुताबिक दुनिया जो थी वो कायनात का मरकज थी और सारी जो सैयारे थे यानी सैयारे उनको भी सितारे कहते थे लेकिन वॉन्ड्रिंग को कहते थे वो दुनिया के गिरद दायरों में हरकत करते हैं और ज़मीन स्टैटिक है यानी ये ये, ये ये बात अहम है अच्छा अब ज़ाहिर बात है कि अगर आप आँखों से देखें तो यही आपको नज़र आता है कि मशरक़ से सूरज रोज निकलता है मग़ब में गुरु गुर रहता गुर है चाँद इसी तरह से मगरब से निकलता है मर, आपको दायरा ही उनकी दायरी हरकत उनको नज़र आती है तो इसलिए ये कोई ऐसा यानी बुरा एक्सप्लेशन नहीं थी लेकिन आ, जो अरस्तु की तबीयात थी आ, वो उसके ऑब्ज़रवेशन के मुताबिक दुरुस्त थी लेकिन फिर बाद में जो दूसरी ऑब्जर्वेशन वगैरह हुई और तरर्बात हुए उससे अरस्तु की फिजिक्स की नफी होती थी लेकिन मैथडोलॉजी ये अपनाई गई कि चूंकि अरस्तु ने कहा था इसलिए अरस्तु की कई बात जो है वो गलत नहीं हो सकती तो ये काम बेसिकली गलीरियो आमतौर पर उसको कहा जाता है कि इटली का एक शहर है पीसा फ्लोरेंस के पास तो वहाँ पर एक टावर है जो कि थोड़ा सा झुका हुआ है तो अरस्तू का कहना ये था कि पत्थर अगर आप पत्थर जो है वो ज़्यादातर ज़मीन मिट्टी के साथ बना हुआ है तो मिट्टी मिट्टी को खींचती है तो अगर दो पत्थर फेंके जाएँ एक ही ऊंचाई से तो जो बड़ा पत्थर होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा मिट्टी है इस वास्ते वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ज़मीन की तरफ जाएगा और जो छोटा पत्थर है वो कम जाएगा तो गलीरों ने कहा कि इसको हम टेस्ट कर लेते हैं तो उन्होंने क्या किया कि वो टॉपर टावर के ऊपर जाके वहाँ से दो पत्थर मुख्तलफ़ जसामत के गिराए और वे दोनों एक वक्त में पहुँचे यहाँ से यानी दो हज़ार साल की फिज़िक्स जो थी वो एक तजर्बे ने गलत कर दी और उसके बाद ही फिर आ, आ, तो अपने गलीरों ने फिर ये बात कही कि अगर कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी हो या किसी इलामी किताब, किताब का इलामी किताब का दर्जा रखने वाली किताब में कोई बात लिखी हुई हो लेकिन अगर कोई तजर्बा जो है और या इंसानी मुशाह जो है अगर उसकी नफ़ी करे तो प्राइमेसी जो है वो किताब को या अथॉरिटी को नहीं होगी बल्कि तजर्बे से हासिल होने वाले रिज़ल्ट होगी अच्छा ये जब उसने कहा तो उसी जमाने में टेलीस्कोप दूरबीन जाती थी।, थी।, थी तो उसने ये सोलह सौ के करीब की बात है तो उसने दूरबीन जो था उसका रुख जो था वो चांद की तरफ किया तो चांद अरस्तुई और जो बदलमुसी निज़ाम था उसके मुताबिक एक परफेक्ट बॉडी है और परफेक्ट बॉडी अरस्तु के मुताबिक सिर्फ एक कुर्रा हो सकता है इसफर हो सकती है तो जब उसने अपना दूरबीन वहाँ की तो उसने कहा वहाँ पर तो गड़े हैं वहाँ पर तो पहाड़ हैं वहाँ पर तो रिजन हैं ये तो परफेक्ट नहीं है और फिर उसने अपना जब रुख किया जुपिटर की तरफ तो जुपिटर के इर्द गिर्द उसको चांद नज़र आए जो कि जुपिटर के, के गिर्द गर्दिश कर रहे थे तो उसने अपने ये तजुर्बाज जो थे उसका मुशाहे जो थे वो अपने साथियों को दिखाने की कोशिश की तो सब ने कहा कि ये चूँ गस्तु के खिलाफ है इसलिए तुमने अपने इस पे प्रेज़ को पर जरूर जादू कर दिया है और नतीजा था कि उसको पेश किया गया आ, पोप के सामने कि इसने ऐसी बात की है जो कि हमारे कुलासाई जो आ, एक है हाँ वो उसके मुताबिक <laughs> ये दुरुस्त नहीं है <laughs> तो नतीजा उसका ये हुआ कि उसको कहा गया कि तुम अपने रिट्रैक्ट करो जो तुमने कहा था और उसको बस है कि उसको आखिरी अपनी जिंदगी के बीस तीस साल जो थे वो कन्फाइंड घर में गुजारने पड़े लेकिन इसका मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा असर जो हुआ वो ये कि अब तक जो इंसान को अशरफुलमखलूक़ात समझा जा जाता था वो तस्वर एक तो टूट गया कि इंसान को अशरफुलमखलूक़त नहीं है दूसरा ये समझा जाता था कि भाई जमीन जो है यही है